अरे सर अगर हम कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी पॉलिसी फ्रेमवर्क को देखें तो उसके ज़रिए हमें आने वाले साल में प्रोबेबिलिटी है कि वर्ल्ड बैंक से आठ अरब डॉलर मिलेंगे तो ये तो हो गया बाकी मुझे बताएं कि और हमें आईएमएफ से भी जो कर्ज़ा मिलता है क्या वो अकेला सफिशेंट है हमारी ज़रूरतों के लिए जितने भी हमारी माली जरूरियात हैं अच्छा देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए देखें आई एम एफ से जो कर्ज़ा मिलता है ना वो कुछ डॉलर्स होते हैं कुछ बिलियन डॉलर्स होते हैं अभी वो एक छोटा प्लान होता है जिसमें दो ढाई बिलियन तीन बिलियन डॉलर जब हमने अभी हमने पूरा किया जी कभी उसका छः सात बिलियन डॉलर का बड़ा प्लान होता है दो ढाई साल का होता है जैसे अभी हो हम हो होप कर रहे हैं जी ठीक है तो इसकी टेक्निकालिटीज़ में नहीं जाऊँगा मैं कि एक एस होता है और दूसरा जो है वो मतलब बेल आउट्स क्या होते हैं नॉन बेल हैं तो हमने आपको बताया तेईस चौबीस प्रोग्राम्स हम तकरीबन चौबीस प्रोग्राम ले चुके हैं अब शायद पच्चीसवा होगा डेफिनेटली और जो है वो कोई छः बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है देखें आई एम एफ़ की पाँच छः बिलियन डॉलर्स जो है ना ऑन द फेस ऑफ इट ये कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन इनकी ना इनकी एक्चुअली इनकी वर्थ बहुत है इन टर्म्स ऑफ देयर इम्पैक्ट ठीक है आई एम एफ़ का साथ आना दुनिया का निज़ाम भी बन चुका है आई एम एफ इंडोस करता है आपको ये ऐसे ही कि आपको एक अमीर आदमी जो है आपको इंडोज किया आपको एक क्रेडिबल आदमी इंडोज करे और आपको कर्ज़ा मिल जाए आपको जो है वो बैंक कहेगी जी ठीक है इसके पीछे इसने जो है ना इंडोस किया हुआ है इसकी क्रेडिबिलिटी है ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है या ये एक ऐसा पर्सन है ऐसा जो है वो कॉपोरेट है जिसने आपको बैक किया हुआ इसी तरह से आई है दुनिया का आई आपको जब इंडोस करता है तो उसका मतलब ये हुआ कि दुनिया आपको कर्ज़ा देना शुरू हो जाती है या इन्वेस्ट करना शुरू हो जाती है या ट्रेड करना शुरू हो जाती है या एटलीस्ट बढ़ा देती है आपके साथ क्यों क्योंकि अगर आपके अपने फाइनेंसिस ठीक नहीं किए आपने कर्जे बढ़ा लिए अपने टैक्से सही जगह नहीं लगाए खर्चे बढ़ा लिए आपने जिसकी वजह से पूरा इन्वायरमेंट चौक हो गया आपकी फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट का आपने पूरी इकोनोमी को जो है ना वो होस्टेज करके रखा हुआ है ठीक है तो उस सिलसिले में ये होता है कि आई साथ आता है आपके तो आई कहता है अब ये मेरे प्रोग्राम में आ गया है अब ये मेरी कंडिशनैलिटीज़ को पूरा कर रहा है मेरे फ्रेमवर्क को लेके चल रहा है तो दुनिया वालों अब इसको आप सपोर्ट करो ये कहते हैं आपका एन एक तरह से ठीक है या ये कह लें कि आपको एक तरह से वो इंडोस कर देता है तो ये इम्पैक्ट ज़्यादा है आई एम का हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है या हमारे लिए क्या सबक है इसके अंदर हमारी लिए अपॉर्चुनिटी ये कि आई आपको पैसे दे रहा है और साथ में आपको इंडोसमेंट दे रहा है दोनों चीज़ें कर रहा है कि भाई डॉलर्स भी ले लो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपकी जो क्राइसिस है या आपने कर्ज़ों के अदायकों के लिए डॉलर्स नहीं बचाए अपने लिए खुद अपने आप को आपने घर को ख़राब कर लिया तो मैं आपके घर के लिए ये सपोर्ट दे रहा हूँ तो आप इस सपोर्ट को यूज़ करो और मैं जिस तरह प्लान दे रहा हूँ उसको भी इस्तेमाल करो ताकि अपने आप को ठीक करो आप भाई अब ये हमारे ऊपर है ना कि हम अपना प्लान क्या लेके जाते हैं हम चुपचाप आई जाएं के पास जाएँगे जी ठीक है छः साल अगर आपको डाल आप हमें कर्जा दे देंगे हम दो साल में वही करेंगे अपने जो है ना सारे वेस्टेजेस वहीं रखेंगे टैक्सेस सही जगह लगाएंगे नहीं खर्चे बढ़ाते रहेंगे कर्ज़ों को ठीक करेंगे नहीं अपने निचोड़ और निचोर, आपके, आपके जो है ना वो कर्ज़ा भी जो है पूरा करके और आपके आपके कंडीशंस भी पूरी कर देंगे कि अपने लोगों पे हम बर्डन भी डाल देंगे महंगाई भी डाल देंगे रजिस्टर्ड प्राइस भी डाल देंगे गैस प्राइस बढ़ा देंगे सब कर देंगे ठीक है गैस प्राइस रिसोर्स की जो है ना वो मार्केट वैल्यू पर प्राइस होनी चाहिए मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ यही होनी चाहिए रिसोर्स की जब तक आप प्राइस मार्केट पर नहीं करते उसकी कदर नहीं आती लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि आप स्ट्रक्चरल चीज़ें ठीक ना करो बिजली का जो निज़ाम पहुँचाने का जैसे मैंने पहले कहा वो सड़ गया है आपका उसमें इन्वेस्ट ना करो उसको ठीक ना करो उसमें पॉलिटिसाइज़ कर दो उस निज़ाम को और फिर कहोगे जी इसमें से तीस फ़ीसद कॉस्ट तो यहीं से आ जाती है फिर अपना हमने टैक्स सही जगह नहीं लिए तो उसमें टैक्स भी आप बिल्ड कर देते हो आपका यूनिट सत्तर रुपये अस्सी रुपये का यूनिट बिक रहा है पूरे जो है रीजन में जो है इसका वन थर्ड नहीं है वन फोर्थ वन फिफ्थ नहीं है पूरे रीजन में आप एनर्जी में महंगे तरीन हो आप टैक्स में सबसे ज़्यादा हो क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा आपके पास आपके अपने लोग तंग हो जाएंगे भाई आप इतनी महंगाई उन पर डाल देंगे और ग्रोथ आपकी से दो फ़ीसद है तो जो पॉवर्टी में इजाफा हुआ है फोर्टी परसेंट तक पॉवर्टी पहुँच गई आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से कहाँ चलेगी पॉवर्टी आपका फोर्टी परसेंट पहुँच गया तो आप लोगों को ख़रीब करते जा रहे हैं क्यों क्योंकि उसकी आमदन में इजाफ़ा नहीं हो रहा ये बहुत कम से हो रहा है और महंगाई उसको जो है एक्सपोनशली पच्चीस तीस फीसद मिल रही है दो फीसद उसकी आमदन में इजाफा हो रहा है मुश्किल से तो कितना बड़ा गैप है नेगेटिव जिसकी वजह से वो गरीब हो रहा है और ऊपर से आप उसको बेसिक्स भी नहीं देते हो एजुकेशन हेल्थ भी अपनी वो खुद करता है सिक्योरिटी भी खुद करता है अपनी वो ट्रांसपोर्ट भी खुद करता है अपनी वो सब चीज़ें खुद करता है कोई उसका वेलफेयर वो नहीं है कोई उसका रिटायरमेंट के बाद उस तरह से प्राइवेट सेक्टर में नहीं है जो गवर्नमेंट में होता है तो भाई आप अगर एक तरफ निज़ाम कर देंगे पूरा ठीक है कॉर्नर कर देंगे निज़ाम को तो आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन कहाँ जाएगी तो कहने का मतलब ये आई एम एफ का जो छः सात अरब डॉलर का भी प्लान है दो ढाई साल का उसमें आप अपनी कॉस्ट बढ़ा देते हैं उसके पैसे को यूज़ करके अपने लिए स्मार्टली बेहतरी नहीं लाते आप ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है गज़ल के आ, मैं आप मैं आपसे पैसे लूँ ठीक है और उसको यूज़ करके अपनी बेहतरी भी लेकर कर आऊँ और आपके पैसे भी वापस दूँ बिल्कुल ये तो बिज़नेस हुआ ना यही करना चाहिए हमें लेकिन इसमें आप रिटर्न दोनों का होना चाहिए ना या मैं ये करूँ आपके पैसे लूँ खा जाऊँ और बस फिर कहूँ या दोबारा दे दो तो आप मेरे पे कंडीशन लगाते जाओगे आपके दोस्त भी आपको जो है रेगुलर बेसिस पे पैसे नहीं देंगे I'll have to आप, sure आप वापस आप, अपनी दोस्ती भी ख़राब करेंगे तो हमारे पार्टनर कंट्रीज़ के साथ हमारी क्यों बातें जो है इतनी इतनी स्ट्रांग नहीं रही हैं इसी वजह से इसी वजह से कि हमने उनसे कहा यार पैसे दे दो डिपॉजिट दे दो या बस शॉर्ट टर्म के लिए दो अरे भाई उनके साथ आप ट्रेड करें इन्वेस्टमेंट की बात करें ठीक है एक विन विन क्रिएट करें लेकिन ये सब चीज़ें वो कहते हैं जब आप कर्जा बहुत ज़्यादा लेते हैं ना तो आप अपने फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ऐसे ही है ना बिल्कुल तो आपने कर्जे इतने ज़्यादा लिए उनको इस्तेमाल सही से नहीं किया अपने लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम नहीं किया या तो उनको खर्च कर दिया उड़ा दिया और अब आप फिर जाकर हाथ फैलाते हैं तो वो कहते हैं यार अब आपने सऊदी अरेबिया ने ये क्या किया था आपको याद है डिवोस में उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि जी अब सारे कंट्रीज़ को कहें कि अपना ज़रा अपने आप को बेहतर करें अपनी हालत बेहतर करें वरना वो आई के कहते थे और हमें कर्ज़ा मिल जाता था अब क्यों नहीं होता इसलिए कि हमारे लिए ऑप्शन बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं लिमिटेड हो गए जब तक हम अपने आप को अपना घर ख़ुद बेहतर नहीं करेंगे अपना प्लान क्रिएट नहीं करेंगे अपने लोगों के लिए एक होम ग्रोन प्लान नहीं होगा और वो और बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी को रखते हुए प्लान हो और लोगों पे बटन नहीं डालें अपने खर्चों को कम करे गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट है अपने खर्चों को कम करे अपने टैक्सेस को सही जगह लगाए और अपने कर्जों को कंट्रोल करे रुपये को छापे कम सबसे बड़ा जो इन्फ्लेशन का आज रीज़न है रुपया छापना है साढ़े आठ ट्रिलियन रुपया सिर्फ मार्केट में घूम रहा है बिल्कुल और ये स्टेट uh, बैंक जो ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है यानी कि जो बैंकों को पैसे देता है कि जाएं आप गवर्नमेंट को पैसा दें इनडायरेक्टली जो फंड कर रहा होता है वो कितना कितना कर रहा है छः छः सात सात खरब रुपया कर रहा है और उसमें नोट छप रहा होता है आपको पता है ज्यादा से ज्यादा और नोट छप रहा है आप खुद बताएं उस नोट की फिर कीमत क्या रहेगी मार्केट में आप फ्यूचर इन्फ्लेशन आज कर रहे हो अगर आज नोट छाप रहे हो तो फ्यूचर की महंगाई आज आप क्रिएट कर दिया आपने क्योंकि नोट तो छप गया वो गवर्नमेंट में जाता है वो वापस जो है और स्टेट बैंक क्यों रेट बढ़ा के रखता है इसलिए बढ़ा के रखता है कि गवर्नमेंट का जो रूम है ना फिजिकल रूम वो कम हो जाए वो खर्च ही ना कर सके ताकि वहाँ से जो जो रूट कॉज है ना इन्फ्लेशन की वो कम से कम हो तो रूट कॉज तो रुपया छपर है उससे हो रही है स्ट्रीट बैंक का इसमें बहुत स्ट्रांग रोल आता है तो मेरे ख्याल में ये जो आई एम एफ की आपने बात की ना ये इन्लोसमेंट ज़्यादा है इससे हम पैसा लेते हैं चौबीस प्रोग्राम में अभी तक हमने क्या किया मुझे बताएं दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोग्राम हमने लिए आई एम एफ के सबसे, सबसे बड़े सबसे बड़े हम क्लाइंट हैं आई एम एफ के नंबर ऑफ प्रोग्राम्स की सूरत में नॉट साइज़ ऑफ द प्रोग्राम नंबर ऑफ़ प्रोग्राम वो तो अर्जेंटीना और इजिप्ट हमसे काफ़ी आगे हैं अभी और श्रीलंका भी है और भी हैं कंट्रीज़ बट पॉइंट ये है कि हम क्यों उन चार पाँच कंट्रीज़ में दुनिया की जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो आई के पास गए उन्होंने प्रोग्राम्स दिए और आज भी ठीक नहीं हुए तो हम क्यों हैं इसके अंदर हम ये क्यों नहीं फील करते कि यार हम इन चार पांच कंट्रीज़ में जो वर्स मैनेज इकोनॉमीज़ हैं उनमें से हम हम न्यूक्लियर पावर हैं हम कुछ अपना खुद इज़्ज़त करवाएं यार तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि अपना प्लान क्रिएट करें हर चीज़ हम कर सकते हैं अल्लाह ने आपको मौसम भी दिए हैं पूरा कंट्री इतना दिया है लोकेशन दी है मतलब मैं इतनी चीज़ें गिनवा सकता हूँ पोटेंशल की लेकिन बात वही है ना इट्स नॉट अबाउट हाउ मच रिसोसेज यू हैव इट्स अबाउट हाउ यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ देम बिल्कुल आपके पास एक अरब रुपया है तो आप तभी खुश नहीं हो सकते एक करोड़ रुपये को भी अगर आप एक अरब बनाने का आपका प्लान है ना तो वो बेस्ट होगा बेस्ट हो ना आपको जितने पैसे मिल जाएं आप उड़ा देंगे उनको तो कोई फायदा नहीं हो तो खैर ये आई की जो बात है इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने आ, लोगों के लिए बेहतरीन अच्छा